गैरसैंण में बजट आयोजित होगा और बजट को लेकर तैयारियां हो रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल बजट सत्र की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 3 मार्च से आयोजित होना है बजट का सत्र। सत्र में सुरक्षा के साथ अन्य व्यवस्थाओं की अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। तो गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र को लेकर बैठक शुरू हुई है, तैयारी को लेकर ये बैठक है। 3 मार्च से आयोजित होना है सत्र, व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र को लेकर बैठक। व्यवस्थाओं को लेकर बात हो रही है किस तरीके से। हालांकि संक्षिप्त बजट सत्र है, काफ़ी कम दिन इसमें है, 4 दिन का वक्त अभी तक है, बढ़ाए दिन जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बजट सत्र की तैयारियां भराड़ीसैंण में कैसे चल रही हैं, कहां अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि वक्त अभी तकरीबन 1 हफ्ते का बचा है, अपने अंतिम दौर पर तैयारियाँ होंगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उस बैठक में जानने की कोशिश की व्यवस्थाओं का आलम क्या है, किस तरीके से जब देहरादून से पूरे प्रदेश भर से विधायक विधानसभा पहुंचेंगे, गैरसैंण पहुंचेंगे, तो तब वहां कैसे व्यवस्था देखने को मिलेगी। हम पंकज पवार जुड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। पंकज, व्यवस्थाओं को लेकर बात हुई है, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक कर अधिकारियों से हाल जाना है, क्या कुछ देखने को मिला बैठक में? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा की ये बैठक थी और उसमें सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष ने कि जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था गैरसैंण में की जानी है, चाहे वहाँ और इसके अलावा जो वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उसके साथ साथ किस तरीके से सत्र सुचारू रूप से चल सके, इन तमाम चीजों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी आज ही कहा है कि उन्होंने की गैरसैंण सत्र को लेकर पूरी तरीके से तैयार है सरकार और जितने कार्य वहाँ होने थे वो तमाम चीजें की जा चुकी हैं। और साफ तौर पर सरकार का कहना है कि अगर हमको सत्र लंबा भी चलाना पड़ा, चाहे वो 10 बजे 11 बजे तक भी रात पड़ा तो वो भी चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि विधानसभा का जो गैरसैंण सत्र हो उसमें लगभग 5 दिन में काम कराया जाए। लेकिन हो सकता है जैसे जैसे विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार कह रहे थे कि कुछ समय बढ़ सकता है विधानसभा सत्र का, चाहे वो गैरसैंण में बढ़े या फिर उसको उसका एक्सटेंशन देहरादून के विधानसभा में हो। कुल मिलाकर इसको लेकर तमाम जो सुरक्षा की जो बैठक थी उस पर भी चर्चा हुई है, उसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, नजर बनाए रखिएगा आप।